नमस्कार दोस्तों, भारत की एजुकेशन सिस्टम यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह हमारे देश का आईना है। जहां एक तरफ अच्छा उजाला फैला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अंधेरा छाया हुआ है। अभी 2 साल पहले दैनिक भास्कर ने न्यूज में एक रिपोर्ट छापा था कि राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के पावरिया गाँव के एक स्कूल को सेकेंडरी हाई लेवल में अपग्रेड कर दिया गया था, लेकिन वहां के संसाधन व्यवस्थाएं एक प्राइमरी स्कूल की जैसी थी। वहां पर देखा गया था बच्चों को बाहर बैठकर पढ़ते हुए, बैठने के लिए उचित व्यवस्था भी नहीं थी। इंडिया टीवी ने 10 साल पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे एक टीचर से कोई रॉकेट साइंस नहीं, जबकि वेडनेसडे की स्पेलिंग पूछी जा रही थी और वो भी उनको नहीं मालूम था। वेडनेसडे W-E-N-D. थोड़ा और रिसर्च करते हुए फ्यूचर में आते हैं। यह वीडियो 4 साल पहले वन इंडिया न्यूज ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, जिसमें टीचर से इंग्लिश पढ़ने के लिए बोला जा रहा था और उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं मालूम था। सरप्राइज तो इस बात का है, टीचर भी इंग्लिश की निकली। अगर हम इतिहास की तरफ एक नजर डालें तो एक समय वो भी था कि शिक्षा बस धनी और प्रतिभाशाली परिवारों के लिए तक सीमित थी। गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा एक सपना था। स्वतंत्रता के बाद भारत में शिक्षा में विकास लाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन क्या वाकई में हम सबके लिए समान शिक्षा का सपना पूरा कर पाए क्या? गूगल के रिसर्च से पता लगता है कि भारत में 11,96,265 प्राथमिक विद्यालय, 150,452 माध्यमिक विद्यालय और 142,398 उच्चतर विद्यालय है। फिर भी क्या आपने कभी सोचा है कि आज भी कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते? आज हमारे पास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, लेकिन क्या वे हर बच्चे की पहुँच में है? ग्रामीण और शहरी भारत के बीच शिक्षा का यह अंतर अभी बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया पे 2 साल पहले एक वीडियो अपलोड की जाती है जिसमें दिखाया जाता है कि झारखंड के स्कूल में फैसिलिटीज के नाम की कोई भी चीज नहीं है। इवन टीचर से पूछताछ करने पर टीचर हाथापाई करने पर उतर जाते हैं। आज के टाइम में आप अपने गांव के किसी स्कूल में जाकर देखें और वीडियो में हमें कमेंट करके बताएं कि क्या हालत सुधरी है या जो 10 साल वीडियो अपलोड किया हुआ है वो आज भी है। आंकड़े बताते हैं कि देश में शिक्षा का अनुपात बढ़ा है, लेकिन वह अनुपात गरीबों और अमीरों के बीच में बहुत है। गरीब तबके का बच्चा जो सपनों में आज डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनने की ख्वाहिश देखता है, उसे आज भी सही शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी, पर्याप्त शिक्षकों की कमी, परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसे कई बच्चों के सपनों को अधूरा छोड़ देती है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। भारत के कोने कोने में कभी बहुत बच्चे हैं जो सारी मुश्किलों के बाद भी पढ़ते हैं और अपने सपनों को सच करने का जज्बा रखते हैं। अगर हम सब मिलकर उनको सही दिशा दें तो वो बच्चे देश का भविष्य बदल सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन लेने की संख्या बड़ी है, लेकिन उच्च शिक्षा हाई एजुकेशन लेवल तक पहुंचने का बहुत ही कम है। अगर हम गरीब तबके की बात करें तो यह अनुपात और भी नीचे गिर जाता है। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यह एक अधिकार है जो हर एक बच्चों को मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, शहर का हो, गाँव का हो। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर एक बच्चे शिक्षित हों, क्योंकि यही देश की असली प्रगति है। आइए साथ मिलकर एक कदम बढ़ाएं और इस शिक्षा के सपने को साकार करें।